हेलो भाई, प्रजापति स्टॉप पर आपका स्वागत है। देखते हैं कल के लिए निफ्टी और पेमेंट के लिए कैसा मार्केट रह सकता है। जैसे कि हमें एलआईसी के मार्केट अगर इसके बीच में ही ओपन होता है, इस लेवल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पे इसके बीच में ही मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या वोलेटाइल मार्केट रहा, मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट बना 38,200 के पास में जो सपोर्ट बना था वही सपोर्ट क्रिएट किया। फिर मार्केट ने यहाँ पे टाइम ओवर किया, लगभग 2-3 घंटे यहाँ वहीं पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद 2:30 बजे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और मार्केट आज बहुत वोलेटाइल मार्केट था। 15 मिनट के कैंडल में से लग रहा है, लेकिन 5 मिनट के कैंडल के अंदर देखें, 5 मिनट के कैंडल के अंदर देखते हैं तो अब मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। मार्केट बहुत स्टॉप लॉस हिट होने के चांस आज ज़्यादा थे मार्केट के अंदर। देखते हैं कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। कल के लिए प्लान करेंगे अगर मार्केट अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करा हुआ, ये 800 से 500 के मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गली यहाँ पे सपोर्ट करा हुआ और यहीं से मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऊपर से। तो अभी यह फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर नीचे आता है, फ्लैट ओपन होके यहाँ से नीचे आता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो यहाँ से नीचे मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है वापस एक बार। मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से क्या होगा, एक बार सपोर्ट लेता है फिर यहाँ से अगर यहाँ पर टाइम बिताता है, यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पुट की साइड हम ट्राई करेंगे और हमें यहाँ पे और सेलो आ सकता है। वहाँ पे फास्ट यहाँ पे सेलो मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे जा सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, मतलब 37,500 के नीचे अगर कोई ब्रेक करता है मार्केट, तो यहाँ से हमें अच्छा यहाँ पे ट्रेड मिलेगी, वन वे मूव मिल सकता है 37,500 के यहाँ पे नीचे। लेकिन मार्केट क्या का? मान लीजिए गिबन ओपन होता है, ओपन ही गिबन होता है 37,500 के पास में या 600 के पास में, 200-300 पर यहाँ पे नीचे ओपन होता है, ओपन होता है तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे कॉल ट्राई कर सकते हैं एक बार, क्योंकि मार्केट भले ही बाउंस पे सर, अभी मार्केट क्या हो रहा है, हर बाउंस पे मार्केट बाउंस हो रहा, मार्केट और नीचे आ रहा है, बाउंस हो रहा नीचे आ रहा है। तो नेगेटिव ओपन होने पर बहुत सा कंफ्यूजन है, नेगेटिव ओपन होता है और इस लेवल का अगर यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, सपोर्ट बना तो 5 मिनट के अंदर ग्रीन कैंडल भी देता है तो हम यहाँ पे कॉल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन टारगेट जो रहेगा वो यही रहेगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा सेलअप यहाँ पे मार्केट आ सकता है गिवन ओपन होने की कंडीशन में। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का तरह काम करेगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। मान लीजिए गैप अप ओपन होता है 38,300 के पास में अगर ओपन होता है तो भी हम सेलअप के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर गया वापस नीचे आ रहा है। तो अगर 300 के पास में ओपन होता है तो यहाँ से 5 मिनट की नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अभी ऊपर की साइड सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इतना सस्टेन नहीं कर पा रहा है कि मार्केट अपने आप को होल्ड करे। मार्केट जैसे मार्केट रैली दिए 1,000 पॉइंट की रैली दिए, मार्केट को यहाँ पर सस्टेन करना, लेकिन मार्केट यहाँ पर प्राइवेट से मार्केट धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है वापस है। तो वापस अगर गैपडन ओपन होता है, गैपअप ओपन होता है 38,300 के पास में कहीं ओपन होता है तो हम यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हैं, जो फिर टारगेट जो रहेगा ये या गैप फिलिंग तक रह के या नीचे तक टारगेट रह सकता है। कॉल की कंडीशन कब बनेगी, कॉल हम ट्राई करेंगे 38,400 के ऊपर ही ट्राई करेंगे, यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, यहाँ पे मार्केट को भी होल्ड करता है तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, वरना हम यहाँ पे कॉल के बारे में थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम रखेंगे। और पुट की साइड क्वांटिटी हम इंक्रीज़ करेंगे, वो करेंगे 37,500 के नीचे, यहाँ से नीचे निकलने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मतलब 700-800 पॉइंट का वन में मूव यहाँ पे मार्केट यहाँ पे दे सकता है। जैसे निफ्टी के लिए कैसे प्लान कर सकता है, अगर निफ्टी क्या होता है, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा पुल बैक दिया था, लेकिन क्या यहाँ साफ अप मूवमेंट दिया, फिर मार्केट निफ्टी का फ्लैट ओपन हुआ, निफ्टी थोड़ा सा 100 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ था, लेकिन निफ्टी बिल्कुल ही फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, एक प्राइवेशन बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी क्या, अभी एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है, अभी ये निफ्टी के अंदर देखा जाए तो अभी ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, ये 16,800 के पास में मार्केट के पास सपोर्ट है। ठीक है, कल के लिए प्लान कैसे करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है, अगर नीचे निकलता है तो यहाँ पे सपोर्ट के पास में आएगा 800 के पास में, ऊपर निकलता है, ऊपर निकलने के बाद मार्केट क्या 920 के पास, 16,920 के पास, क्योंकि नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम वापस से हम पुट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप मार्केट हर बाउंस पे मार्केट को सेल ऑफ हो रहा है, तो मार्केट जैसे आया नीचे सेल ऑफ बाउंस हुआ वापस सेल हुआ, बाउंस हुआ वापस नीचे आ रहा, तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के पास में मिलता है 16,920 के पास में अगर मार्केट मिलता है हमें,
मतलब फ्लैट या गेपअप, थोड़ा सा फ्लैट या गेपअप में चलेगा यहाँ पे, या टेन में ड्रॉ कर लेता हूँ, फ्लैट या थोड़ा सा गेपअप भी ओपन होता है। मान लीजिए 100, 800, 900 के पास में मार्केट ओपन होता है और यहाँ से नीचे आता है, तो हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं इसका, इस टेन लाइन का एस एल डाल के, जो टारगेट जो रहेगा वो थोड़ा सा, ये थोड़ा टारगेट थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है। अगर इसको ब्रेकडाउन कर देता है 16,800 को यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन कर देता है, यहाँ पे 15 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज करना जरूरी है, 15 मिनट के कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, तो मार्केट के लिए वापस यहाँ पे सेलअप के लिए मार्केट आ सकता है, न्यू सेलअप के लिए आ सकता है। और गेपडाउन भी होता है, गेपडाउन होता है तो हम वेट करेंगे 15 मिनट के कैंडल का, वेट करेंगे 15 मिनट के कैंडल का, यहाँ पे वेट करेंगे 15 मिनट के कैंडल का, ऊपर की साइड ब्रेकडाउन या नीचे की साइड अगर वे कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल या पुट यहाँ पे ट्राई करेंगे। मान लीजिए गेपअप की कंडीशन में ये होगा, गेपअप की कंडीशन में यहाँ पे मार्केट क्या ओपन होता है, अगर 1679 पास में क्या ओपन होता है मार्केट, तो हम यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हैं एक बार छोटा स्टॉप लॉस के साथ 20 या 25 रुपये का एसएल के साथ, हम यहाँ पे पुट ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ मार्केट को यहाँ से नीचे तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो गाइस आज के लिए थैंक यू।